الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلقتهم العقبة وما دراكم ما العقبة فك رقبة أو يتامن في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن، صدق الله الذي महत्म जिम्मेदारा ने डॉक्टर फॉर ह्यूमैनिटी और एच आर एस और दीगर मम्बरान असल वरहत लि वर्क एच आर एस दो हजार चार में कर्नाटक में अपने काम का आगाज किया खूस रेस्क्यू रिलीफ और रिहेबलीशन के काम के लिए तो इसका जो पीछे जो स्पिरिट है वो तो अभी जो मैंने आयत तिलावत की है सुर बलत की के नायात में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान दुशवार गुजार घाटी पार करने की हिम्मत नहीं किया क्या है वो दुशवार गुजार घाटी अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि गर्दन किसी को की गुलामी को छुड़ाना गर्दन छुड़ गर्दन का छुड़ाना यानी कि गुलामी कर्जे से लोगों के गर्दन को छुड़ाना इसी तरह गरीबी फ़कर फाका बीमारी के बोझ से उन्हें निजात दिलाना भूखे को खाना खिलाना मिसकीन यतीम को खाना खिलाना ये चीज़ें बताई गई कि ये वो दुश्वार गुजार घाटी है और आगे कहा गया कि और ईमान लाकर आपस में सब्र हमदर्दी की नसीहत करने वालों में शामिल हो जाना तो इसे ऐसे जो लोग हैं वो दाए बाज़ू वाले हैं यही लोग अबम है यानी दाएं बाजू वाले हैं यानि खुशबक लोग हैं जो कामयाब हो, होने वाले हैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने वाले हैं तो इस स्पिरट के तहत यही स्पिरट के एच आर एस के पीछे कार फरमा है और एच आर एस का विजन है कि बेलोस इंसानी खदमत के जज्बे के साथ इंसानी की बुद्धि बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और एक सेहतमंद खुशगवार समाज की तामीर और इसका मिशन है कि पिछड़े हुए दबे हुए महरूम तबकात की रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ और एजुकेशन जैसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना और हंगामी हालात में जैसे कि फसादात या सीलाब और कहत साली का जब मौका आता है तो उससे जो मुतान लोगों को राहत पहुँचा कर उनकी बाजाबाद बाजाआबादकारी करके ज़रिए दोबारा उन्हें अपने मकाम पर खड़ा कर देना तो ये इस तरह से रेस्क्यू रिलीफ और रिहेबलीटेन के काम में करने के लिए साथ ही साथ एच आर एस के वॉल्टियर्स की डिसास्टर मैनेजमेंट में प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी की जाती है हमारे पास अभी तकरीबन तीस ट्रेनर्स मौजूद हैं और सौ के करीब हमारे ट्रेंड वालंटियर्स और इसी तरह बाकी जो तकरीबन छः सौ के करीब हमारे वॉल्टियर्स हमारे पास हैं तो मौजूदा हुकूमत के दौर में हमारा काम बहुत बढ़ गया है इंसानियत बड़े पैमाने पर मुसलसल मुश्किल और तकलीफों का की शिकार हो रही है 2004 से 2014 तक हमें सिर्फ दो बड़े हादसों का सामना करना पड़ा वो था 2006 में मैंगलोर में फसाद और 2009 में नॉर्थ इंडिया में जो का तकरीबन 12-13 डिस्ट्रिक्ट सिलाब से मुतासर हुए थे उसमें उस वक्त हमने कुछ रिलीफ का काम किया था जहां पर हमने तकरीबन 300 सौ मकान की तमीर और दो सौ रिपेयरिंग किए इस तरह से बाज आबादकारी का एक बड़े पैमाने पर तकरीबन दो से तीन करोड़ रुपए का हमने काम किया था तो इसके बाद लेकिन दो हजार चार से हम देखते हैं कि मुसलसल पहले तो कहत साली का जमाना आया जिसमे हमें चंद सालों तक जो है वो बोरवेल्स और वाटर सप्लाई का काम हमने किया और इसके बाद 2018-19 का से हम देखते हैं तो पहले सीलाब लैंडस्लाइड ये जो खुद सिर्फ हमारे स्टेट में पूर्ग बेलगाम और इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में और इसके साथ साथ हमारे करीब के रियासतों में जैसे कि के ओरिसा केरला यहाँ पे हमारे वालंटियर्स जो है वो जाकर कर रिलीफ और रिहाबिलिटेशन का काम किया तो एक तरह से हमारे लिए ये जो आजमाइशें थी हमारे लिए हमारे लोगों के ट्रेनिंग के लिए उनको एक्सपीरियंस के लिए बहुत मौके हासिल हुए और हमारे वॉल्टियर्स ने इसका बहुत पूरा पूरा फायदा उठाया और इसके जरिए से अपने आप को इस काम में लगा कर कुछ एक्सपर्टाइज भी हासिल कर लिए कोविड नाइनटीन का सिलसिला जब पिछले से जनवरी मार्च के दौरान शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे वॉल्टियर्स ने पके पकाया हुआ फूड के पैकेट्स और इसी तरह से जो रे, रेशन ग्रॉसरी के रेशन किट्स बनाकर घरों को पहुंचाना खास करके जो कंटेनमेंट एरियाज के लोगों के लिए लेबरर्स जो फंस गए थे और स्टैंडर्ड ट्रैवलर्स थे उनको भी खाना पहुंचाना और ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाना और जो ट्रैवलर्स और कुछ पेशेंट्स जिसमें कोविड पेशेंट के का तो किसी भी तरह से गवर्नमेंट और एजेंसियों ने डायरेक्ट उनका ये था लेकिन ये हुआ कि जब कोविड पैंडमिक की वजह से ऐसे पेशेंट्स को बहुत नेगलेक्टेड हो गए थे खास करके कैंसर पेशेंट्स और ये जो डायलिसिस के रेगुलर जिनकी ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंट्स और दूसरे इस तरह के जो शुगर पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो इन लोगों को उन हॉस्पिटल तक पहुंचना ये कर्फ्यू और ये जो लॉकडाउन के जरिए से बहुत मुश्किल था तो हमारे वॉल्टियर्स ने बहुत सारे जगहों पर ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स ले जाना उनको ट्रीटमेंट दिलाना और उनको वापस ले आना तो ये काम भी बहुत खूबी से अंजाम दिए और इसके बाद जो क्वारंटाइन के लिए लोग क्वारंटाइन में थे और इसी तरह से जो लोग कुछ मई जो कोविड के जो मरीज के अमवात हो गए तो उनके मईत के तदफेन में भी हमारे वालंटियर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें खास करके सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि गैर मजहब के हमारे ब्रदरन वतन के मईतों के करने में न, उनके जो आखिरी रसूमा को अंजाम देने में भी हमारे वालंटियर्स ने बहुत ही नुमाया काम अदा किए इस तरह से तकरीबन हम पिछले इस कोविड के दौर में पाँच से छः करोड़ का इमदाद तकरीबन दो ला लाख मुतासरीन को पहुँचाया अल्हद हमारे इस काम के जरिए से हमने काफ़ी लोगों को जो इस तरह से फंस गए थे कई लोगों ने कहीं से कहीं आकर केरला से लोग जॉब के लिए कहीं पुना गए पूना से वो जॉब के पर यहाँ मैंगलोर आए फिर मैंगलोर में उनको जब आ, कहीं और से कांटेक्ट नहीं था तो उनको लाकर हमने मस्जिद में आबादकारी की है उसके बाद में उनको केरला पहुंचाने के लिए यहाँ से बॉर्डर बॉर्डर से उधर इस तरह से हमने दूसरे स्टेट के हमारे जमात के रुखा के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनसे कोऑपरेशन के जरिए से और इसी तरह से तेलंगाना महाराष्ट्र और यहाँ दिल्ली तक, तक, तक में कोई हमारे लोग दिल्ली जाकर वहाँ फंस गए थे वहां पर जमात के जरिए से कांटेक्ट करके उनको इधर आने जाने के लिए तो इस तरह से हमारे नेटवर्क के जरिए से हमने इस तरह स्टैंडर्ड पीपल का उनको सही तरह से अपने अपने मकाम पर पहुँचने के लिए काफी हमारा नेटवर्क के जरिए से हमको उन्हें उस अपने अपने मकाम पर पहुँचाने में मददगार साबित हुए तो ये इस तरह से चंद काम है कि जो हमारे वॉल्टियर्स ने और जमात के रुखा के साथ मिलकर और इसी तरह से इसमें बहुत सारे जगहों पर डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ भी उनके हेल्पलाइन के जरिए से उनका इस्तेमाल करते हुए उन्हें जो ताउन के साथ ताउन करते हुए हमने काम को अंजाम दिया तो अभी जो कोविड सेकेंड वेव की बात आ रही है तो इसमें हमारी अब जिम्मेदारियों को हमें दोबारा अदा करने की जरूरत है आज हम देखते हैं कि एक और काम जो हमने पिछले इसमें किया था वो अवेयरनेस का काम था और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मुसलसल हमारा कांटेक्ट था और एन के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन था तो इनशाला दोबारा उसका ग्रुप वगैरह इसी तरह से पहले से मौजूद है उनमें से हमें दोबारा इस कोविड टू सेकेंड वेव के लिए तैयार होना है और इस बारे में हमारे इस बार जो हमारे सामने जो बड़ा चैलेंज है वो अवेयरनेस का मामला है वैक्सीन दिया जा रहा है लेकिन लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं है बहुत सारे प्रोपोगंडा हमारे सोशल मीडिया में उसके खिलाफ चल रही हैं लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है ऐसे मौके पर अब जैसे कि हमारे तीनों डॉक्टरों ने वैक्सीन वगैरह के सिलसिले में जो मालूम हमारे रुखा ने हासिल किए होंगे तो ये हमारे लिए मज़ीद आगे लोगों को अवेयरनेस पैदा करने उन्हें तरगीब दिलाने के लिए कि वैक्सीन हासिल करने के लिए तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही मुफी मालूम आज इन इस प्रोग्राम के जरिए से मिला तो हमारे रुखा को खास करके हमारे जोनल लीडर्स और हमारे ग्रुप लीडर्स इस मामले में हमारे फर्स्ट काम जो अभी करना वो यही है कि आ, ये जो सेकेंड वेव का जो सर्ज बढ़ रहा है ये सबसे ज़्यादा तो बेंगलोर में है दूसरे जरा सिटियों में जैसे कि मैंगलोर और दूसरे सिटियों में होगा तो वहाँ पर हमें खास करके तोजह देना चाहिए कि वहाँ पर हम सबसे पहले अवेयरनेस पैदा करें उसमें मास्क लोग जो है उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं बहुत बार बोलने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं डिस्टेंस का मेनटेन नहीं कर रहे हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह में शामिल हो रहे हैं तो इस सिलसिले में हमें जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना ये सबसे पहला अहम काम है और इसके बाद अभी कर्फ्यू लग रहा है लग चुका है तो ये कर्फ्यू के दौरान हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स वगैरह को जिसको जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए उनकी जो कुछ भी मदद चाहिए वो भी हम इसी तरह से डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी के फॉर्म डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी के आ, उनके ताउन से हम उस उनको मदद पहुंचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और बाकी जिस तरह से जैसे हालात इस अंदाज से बनते जाएंगे अभी रमजान का मामला है तो इसलिए देखते हुए पिछले जो कुछ भी हमने काम किए हैं जो अभी मैंने गिनाए हैं वो तमाम काम में से हालात के मुताबिक और मकाम के मुताबिक ज़रूरत के मुताबिक हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए तो इस सिलसिले में हमें हमारे रुखा से इल्तजा करता हूँ कि हम इसको बहुत लाइट ना लें सबसे पहले हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें और ख़ुद भी हम मैदान में कूद पड़ें खास करके गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट और वो जो इस तरह के कुछ एन हैं उनसे हमारा रब्त कायम करें और जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हालात को देखते हुए उस आ, ये जो रिसर्जेंस है ये जो सेकंड वेव है उसके इफेक्ट को कम करने की हम कोशिश करें अल्लाह ताला मुझे और आपको इस ख़ास करके ये रमज़ान का महीना है तो जैसे कि कहा जाता है कि शहर ने कहा आ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना इतात के लिए कम न थे क्रोमिया तो हम इंसानियत के दर्द को महसूस करें और उसके लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए कमर बस्ता होकर हम उनको मदद के लिए तैयार हो जाएं और इस खास करके रमज़ान के मौके पर हमारी ये जो खिदमत है उसका अल्लाह ताला बहुत तजर अता फरमाएगा और इसलिए और रोजे की हालत के वजह से कुछ रमजान से मुतक कुछ खास मसाइल पैदा होंगे उसके लिए भी हम ख्याल करते हुए लोगों के मदद के लिए हम अपने अपने मकामा पर कुछ स्क्वेड बना लें हेल्पलाइन रेडी करें और उसके जरिए से टीम वर्क करके आ, मुख्तलिफ कामों के लिए खास करके गवर्नमेंट के साथ ताउन और गर्मेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट और हॉस्पिटल्स और ये तमाम चीज़ों के साथ हम कॉन्टेक्ट में रहते हुए इस काम को अंजाम देने की कोशिश करें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमें इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने की तोफ़ी अतः फरमाएँ और हम सबको इस वबा से महफूज रखें और सारी इंसानियत से दुनिया से ही इस